इसके पहले के वीडियोस में हमने सिंपल के बारे में चर्चा की थी और कंटिन्यूस के बारे में चर्चा की थी। सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर उन्हें कॉमन देखा था, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट पास्ट, पास्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस, सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस, वही उनमें कॉमन देखे थे और फिर तीन तीन सेंटेंस लेकर उनको हमने डिस्क्राइब किया था और पैसिव वॉइस में अल्टर किया था। इस पर्टिकुलर क्लिप में हम लोग परफेक्ट की चर्चा करेंगे, यानी प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। ठीक है, ये लास्ट काइंड है उस टेंस का। तो यहां सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि प्रेजेंट से पास्ट जाते हैं और पास्ट से फ्यूचर जाते हैं, तो हमें क्या चेंज करने हैं, कॉमन क्या है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में। फिर देखते हैं हम लोग कि किसका स्थान कहाँ है और कॉमन क्या है, और प्रेजेंट से पास्ट और पास्ट से फ्यूचर जाते समय हमें क्या चेंज करने हैं। आइए स्टार्ट। दोस्तों ये चीजें कॉमन है एक्टिव वॉइस की, जहां तक बात करेंगे आप प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट में एक्चुअली एक्टिव वॉइस में तो सब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है, और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं। तो ये सारी चीजें कॉमन है, देखिए प्रेजेंट में सब्जेक्ट से स्टार्ट हुआ, पास्ट में सब्जेक्ट से स्टार्ट हुआ, सेंटेंस आपका फ्यूचर में सब्जेक्ट से स्टार्ट हुआ, परफेक्ट की बात कर रहे हैं हम लोग। वर्ब था प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब था प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब था प्लस ऑब्जेक्ट, लेकिन आप प्रेजेंट परफेक्ट से पास्ट परफेक्ट जाओगे तो क्या बदलना है, तो फॉर्मूले की तरफ ध्यान देना पड़ेगा आपको। प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब्स हैं आपके हैव, हैज, हैव बहुवचन, हैज एकवचन, है ना, सिंगुलर और प्लूरल। अब यहाँ पे एक अपवाद है, आई एकवचन होने के बावजूद उसके सामने हैव आएगा हमेशा, अन्यथा ही हैज, शी हैज, इट हैज, सचिन हैज, बट सचिन एंड सौरव हैव, दे हैव, वी हैव, है ना। तो बहुत से टीचर हैज, वे टीचर्स हैव, ठीक है, इतना समझ में आया। वो आपका थर्ड फॉर्म लेना है और ऑब्जेक्ट जोड़ना है। अब प्रेजेंट परफेक्ट से पास्ट परफेक्ट जाओगे तो कुछ नहीं है, एक वचन रहे या बहुवचन रहे, आपको हेड लेना है, ठीक है। और यहां से फ्यूचर परफेक्ट जाओगे तो इसमें आपको जोड़ना है शॉल, विल प्लस हैव, ठीक, ये आपके फॉर्मूले बने, यानी प्रेजेंट परफेक्ट सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट, पास्ट परफेक्ट सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट सब्जेक्ट प्लस शॉल विल प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। अब आते हैं पैसिव वॉइस की तरफ, ये आपका एक्टिव वॉइस हुआ, आपका पैसिव वॉइस, यहाँ पे भी वो ये ही लेने हैं, ये हेल्पिंग वर्ब्स नीचे आएंगे जैसे कि वैसे, लेकिन आपका हैव और हैज अभी आएगा किसके लिए, किसके लिए आएगा, किसके ऊपर डिपेंड होगा, वो ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड होगा। ऑब्जेक्ट एक वचन तो हैज, मैंगो हैज, मैंगोज हैव, ठीक है ना, इंग्लिश हैज, इंग्लिश एंड साइंस हैव, ठीक, यहां दोनों के लिए हैड और यहां भी शॉल विल प्लस हैव, ठीक। तो ये बाकी की चीजें कॉमन है, बीन प्लस वर्ब थर्ड प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, ये बीन की जगह क्या था कंटिन्यूस में, बीइंग था, तो इधर एमेजार थे, यहां बीइंग था, यहां वॉज वेयर थे, है ना, इसका तो पैसिव वॉइस हमने किया नहीं था प्रेजेंट अपना फ्यूचर कंटिन्यूस का, तो ये चीजें कॉमन है। अब ध्यान रखिएगा जो जो कॉमन है ना उसकी तरह आपने ध्यान देना है तो आपको बहुत ही इजी हो जाएगा एक्टिव पैसिव। बीन प्लस वर्ब थर्ड प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, बीन प्लस वर्ब थर्ड प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, बीन प्लस वर्ब थर्ड प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, कॉमन है कहां पे, परफेक्ट में, ठीक है। वैसे ही कॉमन चीजें हमने देखी कहा, कंटिन्यूस में। तो यहां फोकस आप जब करोगे, ये आप ध्यान में रखोगे कि प्रेजेंट टेंस से पास्ट टेंस जाना है तो हेल्पिंग वर्ब्स ही चेंज होते हैं। इसकी तरफ आप गौर करोगे तो आपको बेटर तरीके से समझ में आएगा। आइए फिर तीन सेंटेंस लेते हैं, तीन सेंटेंस प्रेजेंट के लेते हैं, प्रेजेंट का ही एक स्लाइड बनेगा हमारा, उसको तीन सेंटेंस को निगेटिव करेंगे, उन्हीं तीन सेंटेंस को हम लोग क्वेश्चन करेंगे और उन्हीं तीन सेंटेंस को हम लोग पैसिव वॉइस में अल्टर करेंगे, ठीक है। फिर पास्ट की अलग से स्लाइड बनेगी और फ्यूचर की अलग से स्लाइड बनेगी, ठीक है। आइए डिस्क्राइब करते हैं सेंटेंस के साथ, फॉर एग्जांपल स्टार्ट करते हैं, थोड़ा बैक जाना पड़ेगा हमें। प्रेजेंट सिंपल में हमने कहा था
आई स्पीक इंग्लिश यानी मैं अंग्रेजी बोलता हूँ. प्रेजेंट कंटिन्यूस में हमने कहा था आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल रहा हूँ. यहाँ अभी अभी क्रिया हमारी कंप्लीट हुई है इसलिए यहाँ हम बोल रहे हैं कि आई हैव स्पोकन इंग्लिश, मैंने अंग्रेजी बोली है प्रेजेंट टेंस में. तो प्रेजेंट परफेक्ट का फॉर्मूला है आपका सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट हैव हैज. ये हैव जो है ये बहुवचन का सहायकारी क्रियापद है और हैज एकवचन का सहायकारी. लेकिन आई के लिए आई के सामने हैव ही आएगा, ये अपवाद है ना. एकवचन होने के बावजूद हैव उसके लिए काम करता है, अन्यथा बहुवचन का ये सहायकारी क्रियापद हैव और एकवचन के लिए हम लोग हैज इस्तेमाल करते हैं. ठीक है. आई हैव स्पोकन इंग्लिश, मैंने अंग्रेजी बोली है. ही हैज ईटन अ मैंगो, उसने आम खाया है. दे हैव प्लेड क्रिकेट, उन्होंने क्रिकेट खेला है. अब यहाँ पे निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो आपको पता है जो हेल्पिंग वर्ब होता है और मेन वर्ब होता है उसके बीच में नॉट लगाया जाता है. यहाँ पे भी ऐसे ही, यहाँ भी ऐसे ही. आई हैव नॉट स्पोकन इंग्लिश, ही हैज नॉट ईटन अ मैंगो, दे हैव नॉट प्लेड क्रिकेट, मैंने अंग्रेजी नहीं बोली है, उसने आम नहीं खाया है, उन्होंने क्रिकेट नहीं खेला है. अब यहाँ स्थान परिवर्तन करते हैं हम लोग, आपको पता ही है हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है सेंटेंस आपका किसका क्वेश्चन सेंटेंस. तो हैव पहले आएगा, आई बाद में आएगा, हैज पहले आएगा, ही बाद में आएगा, हैव पहले आएगा, दे बाद में आएगा. तो हैव आई, हैज ही, हैव दे. ठीक है, बाकी जैसे कि वैसा. तो हैव आई स्पोकन इंग्लिश, क्या मैंने इंग्लिश बोली है, क्या मैंने, उसने आम खाया है, क्या उन्होंने क्रिकेट खेला है. पैसिव वर्ब्स में चलते हैं. ऑब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट, ये तो कॉमन है आपके परफेक्ट में. ठीक है, तीनों में यहाँ से लेकर यहाँ तक कॉमन रहेगा. स्लीप और स्लीप जो एंजुलर वर्ब है उनमें हम लोग चेंजेस करेंगे. तो प्रेजेंट के लिए आपको हैव हैज दिया गया है, ये बहुवचन फिर से कह रहा हूँ मैं, ये एक वचन है ना. यहाँ एक वचन रहेगा तो हैज आएगा, यहाँ बहुवचन रहेगा तो हैव आएगा, है ना. मैंने मैंगो हैज, मैंगोज हैव, टीचर हैज, टीचर्स हैव. ठीक है, इंग्लिश एंड मैथ हैव, बट इंग्लिश हैज, तो इंग्लिश हैज बीन स्पोकन बाय मी. माने मैंने अंग्रेजी बोली है, अंग्रेजी मेरे द्वारा बोली गई है. ठीक है, आई एक्टिव वॉइस ऑब्जेक्ट एंड इंग्लिश आपका पैसिव वॉइस. ठीक है, तो यहां फोकस किया हमने सब्जेक्ट के ऊपर एक्टिव वॉइस, ऑब्जेक्ट के ऊपर फोकस किया पैसिव वॉइस. चलिए आगे बढ़ते हैं. फिर पास्ट टेंस, पास्ट टेंस यहीं पे इसी को ना मिटाते हुए हम जाते हैं पास्ट टेंस में. पास्ट टेंस यही है, यहीं पे छुपा हुआ है. अब यहाँ पे कैसे छुपा हुआ है, ऐसे पास्ट परफेक्ट. देखिए यहाँ कैसे छुपा हुआ है कि हैव हैज की जगह आपको क्या करना है, कौन सा हेल्पिंग वर्ब लेना है, वो लेना है हैड, यानी सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. अब यहाँ चेंजेस आएंगे, अब दोनों के लिए चाहे एक वचन हो बहुवचन हो आपको हैड ही लेना है. तो हैव हैज की जगह क्या आएगा, हैड आएगा, है ना. लिख लिया हमने, आई हैड, ही हैड, दे हैड. अब आई हैड स्पोकन इंग्लिश हो गया ना, तो इधर चेंजेस होंगे. मैंने अंग्रेजी बोली है, इसकी जगह आएगा है की जगह आएगा, है की जगह आएगा बोली थी, मैंने अंग्रेजी बोली थी, उसने आम खाया था और उन्होंने क्रिकेट खेला था. ठीक, ये चेंजेस हो गए. निगेटिव में भी वही चेंजेस करेंगे आप, हैव हैज की जगह हैड, नो प्रॉब्लम. बाकी नॉट का जहां स्थान है वो वही स्थान रहेगा उसका, आई हैड नॉट, ही हैड नॉट, दे हैड नॉट प्लेड क्रिकेट. ओके, यहाँ पे भी वही हैव हैज की जगह हैड स्टार्टिंग कर रहे हैं हम लोग. किससे स्टार्टिंग कर रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्टिंग कर रहे हैं हेल्पिंग वर्ब. पास्ट परफेक्ट में कौन सा है, वो है हैड, वो है हैड, दोनों के लिए, चाहे वो एकवचन हो या बहुवचन हो. अब पैसिव वॉइस में भी वही चेंजेस नहीं करने, कुछ भी नहीं करना आपको, आपको सिर्फ और सिर्फ ऑक्सिलरी वर्ब्स चेंज करने हैं, वो दोनों के लिए, एक वचन के लिए भी ऐड, बहुवचन के लिए भी ऐड.
तो इंग्लिश हैड मैंगो, हैड मैंगो, अ मैंगो हैड मैंगोज हैड, दोनों के लिए हैड। ठीक है, कुछ चेंज किया हमने? नो, हमने क्या किया, बीन को चेंज किया, वर्ब थर्ड को चेंज किया, नहीं, हमने एक्सिलरी वर्ब को चेंज किया। तो ये क्या हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट। ठीक है, मैंने अंग्रेजी बोली थी, अंग्रेजी मेरे द्वारा बोली गई थी, फोकस सब्जेक्ट, फोकस ऑब्जेक्ट। ओके, अभी जाते हैं फ्यूचर परफेक्ट। तो फ्यूचर परफेक्ट के कड़ी में, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस लास्ट कड़ी इसकी, तो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट प्लस शैल बी प्लस हैव प्लस वर्ब था प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सेंटेंस बनेंगे आपके, वही तीन सेंटेंस जो कैरी कर रहे हम लोग, आई शॉल हैव स्पोकन इंग्लिश। उसी प्रकार से ही विल हैव ईटन अ मैंगो, दे विल हैव प्लेड क्रिकेट। निगेटिव में ऑब्वियसली ये नॉट का स्थान है, आपके जो हेल्पिंग वर्ब है मेन वर्ब उसके बीच में, वो मेन वर्ब के पहले आना चाहिए, बस ये याद रखिएगा। आई शॉल हैव नॉट स्पोकन इंग्लिश, He will have not eaten a mango and they will have not played cricket. उसी प्रकार से स्टार्टिंग आपकी auxiliary verb, helping verb से होनी चाहिए, हुई शॉल, स्थान बदलना है आपने, वो स्थान बदला आप, शॉल I have spoken English, will he have eaten a mango, will they have played cricket. Passive voice, object plus shall will plus have plus been plus verb third, ये चीजें है ना, चार चीजें है ना, ये पूरे परफेक्ट में कॉमन है ना, चाहे वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो, फ्यूचर परफेक्ट हो। ठीक है, ये आपके कॉमन है। तो इंग्लिश विल हैव बीन वर्ब थर्ड स्पोकन बाय मी। ठीक है, इस प्रकार के आपसे सेंटेंस अटर करेंगे। मैंगो विल हैव बीन ईटन बाय हिम, क्रिकेट विल हैव बीन प्लेड बाय देम। इस प्रकार से ये फ्यूचर परफेक्ट हुआ। इसके अलावा ना हम इंपरेटिव सेंटेंस का भी पैसिव वॉइस करते हैं। हम किसका पैसिव वॉइस नहीं करते, आपको पहले ही बताया जा चुका है। हम जो टेंस का चौथा प्रकार है ना, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस है ना, इनका हम पैसिव वॉइस नहीं करते। एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस का भी पैसिव वॉइस नहीं किया जाता। इंपरेटिव सेंटेंस की सबसे पहली पहचान होती है आपकी वर्ब, वो सेंटेंस वर्ब से चालू होता है। एने स्पीक इंग्लिश, कॉल द पुलिस, कंप्लीट योर होमवर्क, स्पीक इंग्लिश, कॉल द पुलिस, कंप्लीट योर होमवर्क, इनके लिए फॉर्मूला होता है, आपको पैसिव वॉइस करना है इनका। ये के लिए इंपरेटिव सेंटेंस है, आज्ञा दी वाक्य है, इनका पैसिव वॉइस करना है तो लेट से स्टार्ट करना पड़ेगा, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब थर्ड प्लस यदि अदर वर्ड है तो इन तीनों में अदर वर्ड नहीं है, इस तरह का फॉर्मूला आएगा। चलो उसको सॉल्व करते हम लोग। तो आपको स्टार्ट करना होगा पहले सेंटेंस में लेट से, लेट से स्टार्ट किया, ऑब्जेक्ट क्या है पहले सेंटेंस में है आपका इंग्लिश, लेट इंग्लिश बी वर्ब है, उसका थर्ड फॉर्म लिखना पड़ेगा, स्पीक का स्पोकन होगा, अदर वर्ड नहीं है। दूसरे में लेट द पुलिस आपका ऑब्जेक्ट है, बी कॉल का कॉल्ड होगा। तीसरे में योर होमवर्क के पहले आपको लेट लेना पड़ेगा, लेट योर होमवर्क बी कंप्लीटेड। ठीक, ये तो इंपोरेटिव सेंटेंस है, इसके ढेर सारे सेंटेंस बना सकते हो आप। और सेंटेंस होते हैं जैसे मॉडल एक्जुलरीज लिखो, जैसे कैन है सेंटेंस में, कूड है सेंटेंस में, जैसे शूड है सेंटेंस में, है ना, जैसे वुड है सेंटेंस में। ठीक है, इस प्रकार के सेंटेंस है तो आप क्या करेंगे, जैसे आई कैन, I can speak Bangla. I can speak Bangla ना, तो ये इनको फ्यूचर सिंपल को हम लोगों ने जैसे सॉल्व किया ना उसी प्रकार से सॉल्व करना है।
सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट है ना, उसका पैसिव वॉइस होता है ऑब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस बी प्लस वर्ब था प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। तो अभी ये उस फॉर्मूले के आधार पर सॉल्व करना है, तो ये होगा आपका सेंटेंस ऑब्जेक्ट प्लस शैल विल, शैल विल की जगह क्या लेना है कैन, जो भी सेंटेंस में आएगा मॉडल ऑक्सिलरी कैन रहे कुड रहे शुड रहे वुड रहे जो भी रहे, तो यहाँ पे कैन है कैन लिया ऑब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस बी प्लस वर्ब थर्ड, वर्ब थर्ड स्पीक की जगह क्या आएगा स्पोकन आएगा है ना, बांग्ला कैन बी स्पोकन बाय मी, ऑब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस बी प्लस वर्ब थर्ड प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। तो इसी प्रकार से इन्हें चेंज करना है। थैंक यू। हमने तीन क्लिपिंग बनाई है, तीन वीडियोस बनाए हैं, एक सिंपल के ऊपर बनाया था, एक कंटिन्यूस के ऊपर बनाया था, और ये वाला जो था ये परफेक्ट के ऊपर बनाया था। तो इसके अलावा भी हमने देखे कि इंपरेटिव सेंटेंस को कैसे पैसिव वॉइस किया जाता है, और कैन कुड वुड शुड रहा यानी मॉडल ऑक्सिलरीज रहे, तो मॉडल्स को लेकर भी हम लोग पैसिव वॉइस कैसे कह सकते हैं ये भी हमने लास्ट में अभी अभी देखा है। तो ये तीनों टेंस और एक्टिव पैसिव के ऊपर विद नेगेटिव एंड क्वेश्चन सेंटेंस, ये वीडियो क्लिप्स आपको कैसी लगी आप इनको स्टडी कीजिएगा, अच्छे लगे होंगे लाइक कीजिएगा, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।